भूपेंद्र यादव जी, भाई संजय शुक्ला जी, भाई निखिल जी, महेंद्र गंगोत्री जी, दीपक जी, भाई गिरीश दुबे जी, गिरीश देवांगन जी, नवाज खान जी और हमारे सुभाष गुप्तर जी और हमारे यहाँ के प्रभारी और उपस्थित सभी एनएसवाई के प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, महाविद्यालय के सभी पदाधिकारी, उपस्थित पत्रकार मित्रों, दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इंडोर स्टेडियम रायपुर में रायपुर संभाग के युवाओं से बात हुई थी। कौन कौन आया थे उसमें? वाह, मजा आया। तो एनएसयूआई का मेरा पहला वोट भूपेश कक्का को, ये कार्यक्रम चल रहा है और इसी कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल संबोधित करते हुए लगातार कोशिश में है कि जो युवा वोटर्स है उन तक पहुंच पाए। कांग्रेस की पूरी कोशिश और भूपेश बघेल, भूपेश कक्का जो कि पहुंचे हुए हैं एनएसयूआई के इस कार्यक्रम में, और एनएसयूआई के इन युवा वोटर्स को संबोधित करते हुए मेरा पहला वोट भूपेश कक्का के नाम। तो एनएसयूआई का यह कार्यक्रम चल रहा है रायपुर में, जो है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी इस कार्यक्रम में मौजूद है और सीएम भूपेश पहली बार के जो वोटरों से चर्चा कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, पहली बार वोटर्स वोट डालने वाले, उनसे सीएम भूपेश बघेल की चर्चा सुनिए। बसा सकता है 38 साल और यूरोप के औसत आयु कितनी है? 44 साल, 50 साल, और हमारे देश के औसत आयु कितनी है? 29 साल। तो दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र कौन से हुआ? हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। हाँ, अभी काका जिंदा है। हाँ, मैं जाना था, बहुत जनमन अभी ना जनरल प्रमोशन में पास कर करके आया हूं। और 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की, लेकिन 65% आबादी 35 साल से कम की तो देश में राजनीति किनके लिए होनी चाहिए? युवाओं के लिए होनी चाहिए। और यही बात समझ के राजीव जी ने क्या किया था, 21 साल से वोट डालने का अधिकार को 18 साल किया। बड़े दूरदर्शी नेता थे हमारे राजीव जी, 21 साल से घटा के उन्होंने 18 साल कर दिया। लेकिन क्या उस हिसाब से हम लोगों में जो 18 साल से 21 साल के नौजवान लड़के लड़कियां, उसमें राजनीतिक समझ आई? थोड़ी कमी रह गई। हम लोग मांग क्या करते हैं, हमारा कॉलेज अच्छा होना चाहिए, हमारी लाइब्रेरी बहुत सुंदर होनी चाहिए, आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, क्लास में टीचर बराबर हो, कोचिंग की व्यवस्था हो जाए, यही चाहते हैं ना। अब जब राजनीति की बात करो तो बोले हमको राजनीति से लेना देना नहीं, हमको तो लाइब्रेरी अच्छी मिलनी चाहिए, कॉलेज अच्छा होना चाहिए, हमारे घर के आसपास कॉलेज होना चाहिए,
यही सोचते, लेकिन दोस्तों अच्छी कॉलेज, अच्छी लाइब्रेरी होने के लिए भी अच्छी सरकार होनी चाहिए। जो मेरे दोस्त अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसके मन में कभी ख्याल आया कि हमारे समय में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल होता तो हम भी वहां पढ़ते? जब मैं शहीद स्मारक स्कूल को उद्घाटन करने गया था तो वहां के विधायक कुलदीप जुनेजा जी हुए, जैसे ये क्षेत्र भाई विकास उपाध्याय का है, तो शहीद स्मारक स्कूल हमारे कुलदीप जुनेजा जी का है, वो संयोग से उसी स्कूल में पढ़े थे और उन्होंने कहा जब स्कूल की बिल्डिंग उन्होंने देखी, वहां की व्यवस्था, वहां एक लाइब्रेरी, वहां के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के लैब उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा जब मैं पढ़ रहा था तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? यदि उस समय आप मुख्यमंत्री होते तो मुझे भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने को मिलता। इसके बताने का मतलब यह है जब सरकार अच्छी होगी, व्यवस्थाएं भी अच्छी होगी, सुविधाएं भी अच्छी होगी और बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो आप ये मत कहिए हमको राजनीति से क्या लेना देना। आपको याद है आज हमारे युवा कार्यक्रम अध्यक्ष नहीं आएंगे, बेंगलोर प्रशिक्षण में गए कार्यक्रम है वहां। इसके पहले एनएसयूआई का अध्यक्ष कौन था? कौन था? आकाश था। और आकाश पिछले समय एक अभियान चलाया था कॉलेजों में, हम बदलेंगे राजनीति, याद है? हम बदलेंगे राजनीति, उन्होंने कॉलेज कैंपस में अभियान चलाया था और अभियान का असर यह हुआ कि हम सब जीते, भारी बहुमत से जीते। उसमें एक कारण यह भी है, बहुत सारे कारण रहे जीतने के, लेकिन एक कारण यह भी था हम बदलेंगे राजनीति। और आपने देखा उस समय तमाम युवा कांग्रेस के, एनएसवाई के लोगों को विधानसभा टिकट हमें दी, जिसमें दो द्वारा तो आपके सामने बैठे हुए, एक एनएसवाई के भूतपूर्व छात्र जिसके शपथ ग्रहण में भी गया था जब वो एनएसवाई का अध्यक्ष बना था, कॉलेज का अध्यक्ष बना था, बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, उसको जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। 29 साल की उम्र में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। देवेंद्र यादव कुमार कम से कम पीछे समय में हारा हुआ टिकट मिल जाए, महापौर बना दिया। आदरणीय साथियों, देश की भी राजनीति में आप देखेंगे, इतिहास उठा के देखेंगे, युवाओं ने ही परिवर्तन किया। जिस समय जवाहरलाल नेहरू आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और लाहौर अधिवेशन में जब उन्होंने उस सम्मेलन का, राष्ट्रीय सम्मेलन का जब अध्यक्षता की, तब उम्र उसकी क्या थी? तब उम्र 40 साल से कम थी। सुभाष चंद्र बोस ही यही जबलपुर के बगल में त्रिपुरी सम्मेलन हुआ, उस समय अध्यक्ष निर्वाचित हुए, उम्र कितनी थी? 42-43 साल। आप कहेंगे चंद्रशेखर आजाद आए
भगत सिंह जी जो शहादत दी तो उसकी उम्र क्या थी? 23 साल। 23 साल के भगत सिंह, 24 साल के चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने तो फांसी को चूम लिया था। यदि उस समय भगत सिंह कहते मुझे राजनीति से क्या लेना था, क्या उन्होंने कहा देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दे दी। आज प्राणों की आहुति देने की जरूरत नहीं है, आज लड़ाई दूसरी है। पहले वो अंग्रेज से लड़ रहे थे, आज अंग्रेजों के विचारधारा में चलने वाले लोगों से लड़ने की जरूरत है, और वो लड़ाई आप सबको करनी है। आज पूरे देश में हिंसा, नफरत, इसकी राजनीति चल रही है। इन पिछले दिनों में इतनी नफरत, इतने आक्रोश लोगों के दिलों में भर दिया गया कि वही नफरत, वही हिंसा डबल इंजन की, तथा कथित डबल इंजन की सरकार में मणिपुर जा रहा है, जहां सीएम भूपेश बघेल संबोधन कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, कोई भी जिन काम है देवा तो देखा, लेकिन देवेंद्र से पर तो होती कात में बोलू, होती बोलू कात में बोलू। सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा देवता पे के भाई बहनी हूँ, मेरे एक भाई है बड़ा और मैं हूँ छोटी। एक छोटी? यस। तुम छोटी हो? यस। भाई बड़ा है? हाँ। और मम्मी पापा? मम्मी पापा। अच्छा, एक घटना, मतलब एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, उससे बात समझिएगा। देखा जब तुम छोटी थी और तो किसी चीज के लिए जीत किए मम्मी पापा से? हाँ की है। करती है? हाँ। मुझे आज साइकिल चाहिए, मुझे नया ड्रेस चाहिए, मुझे ये वाला पुस्तक कभी नहीं, जिंद अच्छा होना चाहिए, ऐसे कुछ तो हुआ होगा ना? मैं स्टडी, मतलब स्टडी करने के लिए, उसके लिए जीत की थी मैं। हाँ हाँ, कोई भी कारण हो। हाँ। अब मम्मी पापा गए बाजार क्योंकि देविका लड़ रही है कि उसको अच्छा ड्रेस चाहिए, है ना? वो फलाने पड़ोसन जो पहनती ना उससे सुंदर होना चाहिए, ऐसी होगा ना? सुनो भाई, सुनो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, उसको उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और जब ये रूठ गई, हाथ पैर पटक रही है, रो रही है, अपने दरवाजे के अंदर बंद कर ली, तो पापा फिर या मम्मी इसको मनाने के लिए बेमन से वो बाजार जाते हैं और वहां से सामान लेकर आ जाते हैं। ये बस बताओ, मम्मी पापा को उसमें खुशी हुई कि मजबूरी भी किया? खुशी हुई। अच्छा, तुम रो रहे हो, पटक रहे हो, जीत करके जो सामान ले लो उसमें खुशी मिलेगी उसको? खुशी तो मिलेगी क्योंकि मैंने उनसे मांगा है तो खुशी से दिया है ना? नहीं, तुम जबरदस्ती कर रहे हो, जीत करके ले रहे हो तो उसमें खुशी नहीं होगी। लेकिन अब दृश्य बदल जाता है कि पापा बाजार गए हैं किसी दूसरे काम से, नहीं नहीं रहने दीजिए ना, माइक मार लीजिए। पापा मम्मी बाजार गए किसी दूसरे काम से, दूसरी खरीदारी करने, वही कोई अच्छा ड्रेस उनको दिख गया और ये वो अचानक बोले कि यार ये तो देवका के लिए ले जाऊंगा, बहुत खुश होगी। तो पैसा खर्चा भी करता है, मेहनत भी किया, बाजार गया, लेकिन खुशी खुशी घर में आके देवका को बताया कि बेटा तेरे नया ड्रेस लाया हूं, तो पापा खुशी होगी कि नहीं होगी? पापा को खुशी होगी ना? हाँ। तो यही बात है कि कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको आनंद आना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी पापा भेज दिए, इसका आप
बेमन से पढ़ाई करेंगे तो आपको थकान होगी, और यदि खुशी उसमें पढ़ाई में आनंद आप ढूंढेंगे, उसमें खुशी आपको मिलेगी, तो आप भी मेरे तरह 16 और 18 20 घंटा काम करोगे, क्योंकि आप नौजवान हैं, आप में एनर्जी है।